शहर की ताजा खबरें देखने के लिए INBCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हनुमान नगर प्रोफेसर कॉलोनी के वैभव डेली नीड्स की दुकान में अचानक धामन प्रजाति का सांप निकल जाने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी सर्पमित्र सचिन जांगड़े को दी गई। सर्पमित्र ने बड़ी ही कुशलता के साथ 6 फीट लंबे धामन सांप को पकड़ लिया, जिसके बाद दुकानदार प्रमोद पैठनकर ने राहत की सांस ली। आइए देखते हैं इसकी खबर। शहर में जब भी धुआंधार बारिश हुई है, कई परिसर में पानी जमा होता है। ऐसे में सांप बिच्छू आदि बाहर निकलकर लोगों के घरों में घुसे जा रहे हैं। ऐसी ये घटना हनुमान नगर के प्रोफेसर कॉलोनी के वैभव डेली नीड्स दुकान में हुई है। इस दुकान के पीछे किसी का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है और इसकी जमीन से निकला एक धामन प्रजाति के 6 फीट लंबे सांप ने दीवार लांघकर सीधे डेली नीड्स की दुकान में आ घुस गया। एक पड़ोसी महिला ने अपनी आंखों से देखते ही इसकी जानकारी दुकान मालिक प्रमोद पैठनकर इन्हें दी। इस घटना से हड़कंप समझ गया। सर्प मित्रों की मदद से काफी मशक्कत के बाद इस धामन प्रजाति के सांप को आखिरकार सर्प मित्र सचिन जांगड़े ने धर दबोच लिया। दर्शकों, बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में कई ऐसे प्राणी हैं जो बिल से बाहर आते हैं। जी हाँ, कई ऐसे सांप हैं जो आए दिन शहरों में निकलते हुए नज़र आ रहे। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो हनुमान नगर के BTP.com यात्रा, ये जो ट्रैवल्स की दुकान है, उसी के समीप एक किराना वैभव डेली नीड्स की एक दुकान है, जहाँ पे एक धामन बहुत 6 फीट लंबा ऐसा सांप आ चुका था, जिसकी भनक चलती है एक महिला को दिखी और महिला ने इसकी जानकारी दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक ने आनंद फानन में जैसे तैसे करके सर्प मित्र को बुलाया। सर्प मित्र ने आए और सर्प मित्र ने बड़ी कुशलता के साथ ऐसे जहरीले धामन सांप को धर दबोचा है। इस समय में सर्प मित्र भी हमारे साथ में है। ये बताइए, आपको किसने जानकारी दी, क्या कहना चाहोगे? मेरे को फ़ोन आया था यहाँ दुकान से कि हमारे यहाँ सांप निकल लाए करके। आके देखता हूँ तो यहाँ सांप नहीं मिला। ये मेरा सेकंड बार है। दूसरी बार आके मैंने ये सांप को रेस्क्यू किया। इस सांप का नाम है धामन, इंग्लिश में रेड स्नेक बोलते हैं। मैक्सिमम ये 5.5-6 फीट की है और ये बगर जहरीला सांप है, नॉन वेनमस बोलते हैं इसको, नॉन वेनमस स्नेक बोलते हैं। मैंने अभी इसको तुरंत रेस्क्यू किया और इसको अभी हम फ्री ऑफ। मेरा नाम सतीश जांगड़े है। मेरा रहना वाठोड़ा में। क्या ये सर्प मित्र के तौर पे काम करते हो? नहीं नहीं, ये हमारा प्रोफेशनली, ये समाज सेवा का काम है सर हमारा। इसके पहले कुछ अनुभव है आपको? हाँ है ना, आप पूछिए। क्या पूछ तो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने सांप को धर दबोचा। इनका ये सर्प मित्र का मानना है कि धामन सांप जहरीला नहीं है, लेकिन शहर के नागरिकों को क्या मालूम, क्योंकि सांप निकलना ये समझते ही लोगों में एक दहशत भरा माहौल रहता है, जिसके चलते यहाँ के नागरिक भी दहशत में थे। लेकिन जैसे ही सर्प मित्र ने इस सांप को धर दबोचा, तब कहीं जाके यहाँ के नागरिकों ने खुली हवा में सांस लेना पसंद किया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपड़ागढ़ के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़, नागपुर।